अपनी नॉलेज का कितना परसेंट यूज करते हो? 1 2 3 4 5 बस, बाकी आपकी आपके दिमाग में जो फ्लॉपी है कितना जीबी डाटा स्टोर कर सकते हो? अभी तक किसी को पता ही नहीं है। अनलिमिटेड डाटा आप स्टोर कर सकते हो, इतनी पावर है। लेकिन जब आपका संकल्प बहुत प्रबल हो जाता है तो आपका ब्रेन का ऐसे कहते हैं दिमाग के ताले खुल जाते हैं सारे। मैंने 15-20 हजार सूत्र फार्मूले याद किए हैं, इसलिए बोल रहा हूं आपसे। एक एक बार में मैंने कई कई सौ सूत्र मंत्र फार्मूले याद किए एक एक बार में। कैसे? इधर से पढ़ा और उधर से स्कैन होता चला गया और पूरी की पूरी किताब मैं जो भी पढ़ता था, मैं कोई भी किताब में ऊपर कहां नीचे कहां, पूरी की पूरी किताब ऐसे दिमाग में स्कैन हो जाती है, ऐसे ऐसे पूरी की पूरी पढ़ते जाओ। ऐसे आपका भी दिमाग हो जाए। बस लेकिन उसी एक तो प्राणायाम तो योग तो करना ही है। जब आप उसमें पूरे खो जाते हैं ना तो क्या होगा, वो सारी ऊर्जा आपकी उसमें लग जाएगी और पूरा आपकी ब्रेन की फ्लॉपी में वो डाटा ऐसे, अरे मशीन में डाटा हो जाता है इकट्ठा। तुम्हारा है तो दिमाग है, ये कोई भोज का घर है क्या? दिमाग है तुम्हारा है। जब तुम्हारा संकल्प बहुत प्रबल हो, मैं बोल रहा हूं आपकी संकल्प के बारे में बात कर रहा हूं अभी, संकल्प आपकी इच्छा शक्ति आपकी विल आपका ड्रीम आपका सपना वो सच्चा होता है ना, तो आपका दिमाग उसमें पूरा काम करने लगता है, आपका दिल आपका साथ देता है, आपकी आत्मा आपको साथ देती है, ये काम होता है। एक आपकी सारी शक्ति अंदर से प्रकट होने लगती है और ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपको क्या करने लगती है, बोलो, सपोर्ट करने लगती है। और जो आपके गुरु है ना, वो जो विद्यार्थी पूरा उसमें खोया होता है, गुरु भी उसकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। और एक बात तुमको अटपटी लगेगी, जब आप एग्जाम देके आते हो तो नंबर देने वाला होता है वो भी आपको ज्यादा नंबर देता है। आप कहेंगे कैसे? वो देखता है कि ये लड़का कोई सामान्य नहीं है, इसने बहुत मेहनत की है, तो वो आपका आधा नंबर काटने से पहले डरेगा, उसको लगेगा इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूँ, बाकी जो ऐसे वैसे बच्चे होते हैं ना, अरे बोले इन्हें कुछ लिख तो रखा नहीं, दे जितने भी नंबर दे दो ठीक है इसके, ये आपको बात कह रहा हूं मैं सच्ची बात एकदम। जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनका मार्क्स देने वाला भी उनके साथ फिर पूरी न्याय करता है। और याद रखना, जब आप इस तरह से उसमें खो जाते हो ना, तो फिर आगे का विषय आता है, आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो सारा जमाना आपके पीछे खड़े हो जाता है, जैसे आज मेरे पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे दो नहीं मेरे हजारों लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ खड़े हैं। किस बात से? क्योंकि मैं उसमें पूरा खोया हुआ हूं। जब आप खोए हुए होते हैं तो आपके पीछे पूरी कायनात खड़ी हो जाती है, ऐसा आपको बनना है। और देखो आप ना अभी बहुत अच्छे बच्चे हो, और ये जो 12वीं तक की उम्र होती है ना, 12वीं में जब पढ़ रहे होते हैं तैयारियां, बाद में कॉलेज में जाने के बाद तो फिर इस अब जैसी फ्रीक्वेंसी अभी सेट हो जाएगी फिर चेंज करना मुश्किल है। इस समय आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। ये जो कॉलेज वाली लाइफ होती है ना, ये तो फिर ऐसी हो जाती है जैसे घड़े को पका दिया। अब घड़े को पकने के बाद आप उसको साइज चेंज कर सकते हो और कच्ची मिट्टी को चेंज कर सकते हो। अब भी आप चेंज कर सकते हो। आप में जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ये करीब करीब 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक रहती है। 18 साल की बाद एडल्ट बोल देते हैं, वो एडल्ट क्या हुआ, वो तो और ही कुछ हो जाता है। 18 साल की उम्र तक आप कैसे भी अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, इसलिए आपको मैं बोल रहा था। मैं बहुत तरह से बातें करता हूँ, खूब हंसाता हूँ लोगों को,
खूब उनका मनोरंजन भी कराता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा कहता हूँ, कुछ भी करते हुए एक बात याद रखना, अपने ध्येय से इधर उधर। तो अभी दो दिन में आपको और योग सिखाऊंगा, प्राणायाम सीखना, ध्यान सीखना, मेडिटेशन, फिर सूर्य नमस्कार, अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेज जो आपको फिर उसमें अच्छे लगे। अभी तो आपको कोई बीमारी तो है नहीं, जो आपको अच्छी लगे उसमें से कोई भी एक्सरसाइज, चाहे सूर्य नमस्कार कर लेना, चाहे कोई कुछ खास पोस्चर्स कर लेना, चाहे शीर्षासन कर लेना, चाहे सर्वांगासन कर लेना, हाँ कपाल भाती और अनुलोम विलोम ये और ये जरूर करना, इससे आपके अंदर की जो शक्ति है ना वो पूरी जाग जाएगी। दो दिन और आपको सिखाएंगे। तो मैं आपको इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, ये बातें मैं छोटे बच्चों से कहता हूँ, मेरे पास छोटे बच्चे भी होते हैं, मैं फिफ्थ क्लास से बच्चों को अभी भी पढ़ाता हूँ। बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं अभी भी एक प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल से फिर धीरे धीरे अभी मैं अपने वहाँ अपना बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, करीब 10,000 बच्चे हम वहाँ पढ़ाते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर भी हूँ। मैं आपको इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, मैं छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को एक ही बात कहता हूँ, अपने ऊपर ध्यान दो। और मैंने देखा जो बच्चे मेरी बातों को सुनते हैं और जैसा मैं कहता हूँ वैसे जीते हैं, वो बच्चे 99 से लेकर के 100% तक मार्क्स लेकर के आते हैं। 90 से नीचे तो मैं पसंद ही नहीं करता। और वैसे भी ये जमाना अब 90 से नीचे वालों के लिए है ही नहीं, 99 और 100 वालों का जमाना है। आप कहेंगे बच्चे स्वामी जी ये तो बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, अपने आप को रफ टफ बना लो पहले। हाँ बस मैं ये बात इसलिए कहने आया था क्योंकि अब रेजोनेंस के साथ में पतंजलि का एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन हो गया है, इसलिए मैं आपको अब खाली एक इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं मानता हूँ, मैं आपको अपने बच्चों की तरह देख करके बातें कर रहा हूँ। जो सपने आपके माँ बाप आप में देखते हैं वो सपने मैं आप में देखता हूँ, और ये बात रेजोनेंस के नहीं है, मैंने तो पूरे भारत के साथ अपने आप को जोड़ा है। सन्यासी का मतलब, सन्यासी का मतलब कोई भागा हुआ व्यक्ति नहीं है, सन्यासी का मतलब जिसने एक घर परिवार से मोह आसक्ति छोड़ करके पूरे भारत और पूरे विश्व को अपना परिवार मान लिया, वो सन्यासी होता है। और मैं और भी कई अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, भारत। देखो भारत के बारे में लोग बहुत तरह की बातें सोचते हैं, कई ऐसी नेगेटिव बातें भी करते हैं, निराश हो जाते हैं लोग, हताशा की बातें करते हैं। मैं कहता हूं माना मेरे देश में बड़ी चुनौतियां हैं, मजहबी चुनौतियां हैं, जातियों का जहर घोला हुआ है, बहुत तरह के प्रश्न हैं, अलग अलग तरह के, यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, यहाँ पर पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, यहाँ पर रिलीजियंस का भी बहुत बड़ा क्राइसिस है, यहाँ कास्ट और कम्युनिज्म बहुत खतरनाक है, सब कुछ होते हुए भी इस भारत में एक बहुत जबरदस्त युवा शक्ति है, ये इस भारत को आने वाले 20-25 वर्षों में बुलंदी पर लेकर के जाएगी, मेरा विश्वास। अरे छोटे छोटे देश जिनकी आबादी 25-50 लाख 1-2 करोड़ की, वो दुनिया में शिखर पर पहुंचे हुए हैं, हम 125 करोड़ के हिंदुस्तान में मैं खुद कॉन्फिडेंट हूं कि 5-10 करोड़ तो बच्चे मैं ही तैयार कर दूंगा 20-25 साल में, इस देश के लिए मरने मिटने वाले। इतना बड़ा देश है, इसमें माना तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो नॉलेज में नंबर वन होंगे, डिसिप्लिन में नंबर वन होंगे, कैरेक्टर में नंबर वन होंगे, और वो नंबर वन होंगे तो भारत नंबर वन होगा, मेरा भारत महान होगा। ये जितने भी देखो, कोई मैं थोड़ी सी देर आपको थोड़ा नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका उत्साह बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जितने भी उल्टे पुल्टे काम करने वाले जो 60-70 साल से क्यों करीब हो चुके हैं बकवास करने वाले, थोड़े दिनों में सब मोक्ष होने वाला है इन सबका, ये सब निपटने वाले हैं। जो भी 50-60 से ऊपर वाले हैं ये 15-20 साल में निपटने वाले हैं, आने वाले भारत की डोर आपके हाथों में होगी, आपको भारत बनाना है, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, इतना परिपक्व बनाइए कि आप जिधर चाहेंगे उधर भारत आगे बढ़ेगा, वो ताकत आपको अर्जित करना।
इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहले अपने आप को तैयार करो। ऐसे नहीं बनेगी बात। कुछ लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, भाषण बड़े बड़े देते हैं, काम कुछ नहीं करते। काम करने से बात बनेगी। मेरे से ज्यादा तो बच्चों तुम राजनीति जानते नहीं हो। मैंने तो राजनीति को ऊंचा नीचा किया है। तो जो है, मैंने तो इस देश में आजादी के गीत गाए हैं और मैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से चीजों को सोचता हूं, लेकिन एक बात सबसे पहले सोचता हूं, जब तक अपना निर्माण नहीं होगा तब तक हम राष्ट्र का निर्माण कर नहीं सकते। ये बात पक्की है। इसलिए आज मैं अंत में इतनी बात कहूंगा, योग तो मैं सुबह सिखाने वाला हूं, अभी तो आपको खाली ये कहने के लिए आया हूं कि आपका संकल्प 24 घंटे अखंड रूप से जागृत रहना चाहिए। और आपके माता पिता आप में जो सपना देखते हैं, वो कोई प्रेशर नहीं है, उनकी कोई डिजायर नहीं है, उनके कोई डिमांड नहीं है। माता पिता का क्या प्रेशर, क्या डिजायर, क्या डिमांड, बस वो आपके अंदर एक बहुत सुंदर सपना देखते हैं, सुंदर आपके भविष्य का, सुंदर भारत का, अपने सुंदर खानदान का और सुंदर दुनिया का सपना आपके अंदर देखते हैं। कुछ लोग ना, जी माता पिता का बड़ा प्रेशर है। क्या प्रेशर देंगे माता पिता? माता पिता तो तुम यदि हार भी जाओगे, फेल भी हो जाओगे, तो भी यही की बात कहेंगे, बेटा और हिम्मत करना, कोई बात नहीं। माता पिता का कभी कोई प्रेशर नहीं होता है, माता पिता की कोई डिजायर डिमांड नहीं होती है, उनसे तुम्हारी कोई उम्मीदें नहीं है कि बच्चा पता नहीं कमाएगा, ये होगा वो होगा, तो कहने की बातें होती है, बेटा बड़ा होगा तो ऐसा, ऐसी कुछ कुछ बातें बोलते रहते हैं। उनको तुमसे कोई उम्मीद, कोई आशा कि ये मेरे लिए क्या करेगा? माँ बाप तो मरते दम तक तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। देखो, जो माँ बाप नहीं बन सके वो तुम्हें बनाना चाहते हैं, वो जो नहीं पढ़ सके वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, जो वो नहीं खा सके वो तुम्हें खिलाना चाहते हैं, जो नहीं पहन सके तुम्हें पहनाना चाहते हैं। खुद फटे जूते चप्पल मैंने अपने माँ बाप को देखा है, लेकिन अपने से ज्यादा अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं। इसलिए माँ बाप का कोई प्रेशर नहीं है, ये उनकी कोई डिमांड नहीं, उनकी कोई डिजायर नहीं है, बस वो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक देखना चाहते हैं। और मैं इतनी देर आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? मैं भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा सपना देखता हूँ, एक बहुत, आप में एक अपरिमित दुनिया है, बहुत सौंदर्य आप में, बहुत शक्ति, बहुत ऐश्वर्य आप में, एक एक मानव में महामानव होने की, एक एक नर में नारायण होने की, बहुत आप में महानायक होने की आप में शक्ति है। आप जहां भी जाएंगे, जो भी होंगे, ये जरूरी नहीं है, हो सकता आप में से कोई डॉक्टर बनने के बाद में, कोई इंजीनियर बनने के बाद में पॉलिटिशियन बन जाए। कितने डॉक्टर है, कितने इंजीनियर है, कितने लोग पहले जो है उन्होंने कानून की पढ़ाई की बाद में नेता बन गए। हो सकता है कोई आप में नेता बन जाए, कोई अभिनेता बन, कुछ भी बने आप, अभी जो बन रहे हो वो पूरा बनो, अभी जो बन रहे हो पूरा बनो, बाकी भविष्य में जो बनोगे आप सर्वश्रेष्ठ बनोगे आप। और जो अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा वो बाद में भी बदमाशियां करेगा, कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढेगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। इसलिए अब जो हो वो सर्वश्रेष्ठ बनो, फिर जो भी होगे सर्वश्रेष्ठ बनो। पहली बात तो आपका डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, पैशन मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब पैशनेट हो, आप बहुत कुछ करने के लिए आप में तमन्ना है। मैं इनसे बोल रहा था, शिशिर जी, मैंने कहा शिशिर जी आप लोगों की क्लास में ज्यादा कितने अधिकतम बच्चे होते हैं? बोले जी 50-100, ज्यादा से ज्यादा 200 कभी कभी। मेरी क्लास में 2-4-5 हजार से लेकर के मेरी क्लास में 5-5 लाख बच्चे होते हैं। एक बार और जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो सबकी निगाहें किधर थी? इधर। सबका दिल, सबका दिमाग, सबकी आत्मा, ऐसे ही एकात्म जब आप हो जाते हैं किसी भी चीज के साथ, जैसे आज आप अभी यहां थे, ऐसी हमेशा बस अपने लक्ष्य के साथ एकात्म हो जाना, आपका रिजल्ट 99% से 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस खो जाना, फिर आपके माता पिता खुश होंगे। देखो, जिंदगी तो कटेगी, जब आप फिसड्डी रहोगे, पीछे से फंस जाओगे तो भी,
और आगे से फसटाओगे। अच्छा टाइम तो कटेगा क्या? बैठे बैठे उल्टा पुल्टा सो, हम अनप्रोडक्टिव कामों में बहुत समय लगाते हैं, आलस्य में बहुत समय लगाते हैं। पिछले दिनों आलस्य का सर्वे हुआ तो हिंदुस्तान के 60% लोग आलसी हैं, 60। या तो कोई वायरस नहीं घुसा हुआ ना, जो थोड़ा बहुत बचा था आज स्वामी रामदेव वो सारे वायरस किल करके जा रहा है। नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो भी जीओगे और मरोगे। देखो मैं एक बचपन की बात बताता हूँ, मेरे से कोई बचपन में बोला, कुछ गांव के लोग ना दूसरों के बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं, तो बोला पढ़ लिख के क्या करना, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। बोले पढ़ लिख करके भी मरना, अनपढ़ रह करके भी मरना, तो पढ़ लिख के क्या करना है। तो हम उस समय कुछ नहीं जानते थे तो भी उसको बोलते थे भाई जब पढ़ करके भी मरना और अनपढ़ रह करके भी मरना है तो अब पढ़ लिख करके मरेंगे, लोग कहेंगे तो वहां पढ़ा पढ़ा लिखा था मर गया भाई। तो भाई अपने को अच्छा करके जीना है और अच्छा करके, इसलिए मैंने शुरू में गाया था जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा सलाम। समझ गए ना, ऐसा काम करना है। भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खाते मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। गाओगे? हमारे खून में, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में, डीएनए में ऋषित्व देवत्व है, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि आइंस्टीन न्यूटन से भी सुपीरियर होते जा रहे हैं हम डे बाय डे। अभी अभी हमारी नस्ल अच्छी होती जा रही है। फिर कैसा बनना है? फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण, आपको भी बनना है। फिर राम कृष्ण निकले घर घर अर्जुन व कर्ण जैसे यो धारणा स्थली से, अर्जुन व कर्ण यो धारणा स्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान हरियों को ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी ही लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। बोले भारत माता की, जरा हाथ उठा के मुट्ठी बांध के भारत माता की, वंदे वंदे। मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपके भीतर सपना देखा है वो सपना आप जरूर पूरा करेंगे। मैं आरके वर्मा जी को और आपके पूरे प्रबंधन को, रेजिडेंस को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।
अद्वितीय उद्बोधन अभी अभी आपने सुना। सच तो यह है कि आपने कभी स्वामी विवेकानंद को बोलते नहीं सुना होगा, हम से किसी ने नहीं सुना है, लेकिन ऐसा जो उनको उनके श्रोता थे वो लिखते हैं कि जब स्वामी जी बोलते थे तो रोमांच हो जाता था, कितना भी बड़ा जनसमूह हो एक टकटकी बांध के उनको देखता रहता था और सब उसी भावधारा में बह जाते थे। वैसा ही एक अनुभव कम से कम मैंने तो यहाँ किया और जहाँ तक मैं आपको देख पा रहा हूँ आपने भी ये किया है। इसके लिए ये अद्भुत महर्षि जो इस समय मंच पर उपस्थित हैं, ये ईश्वर की महती कृपा है कि वो यहाँ हैं, आपके बीच में हैं। और सच तो ये है कि मैं बार बार सोच रहा था ऐसा सौभाग्य जब मैं आपके बराबर था अगर मुझे मिला होता तो जीवन की दिशा कहाँ से कहाँ बदल गई होती, लेकिन अभी भी उम्मीद यही है कि जीवन बाकी है और शेष दिशा और किसी और अच्छे कार्य में भी व्यतीत होगी। दो इंपॉर्टेंट सूचना दे रहा हूं, 21 तारीख को जो विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है उसके लिए कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है, नहीं तो उसमें कुछ संख्याएं वैसे तो कम नहीं पड़ेंगी, लेकिन जिस संख्या के बारे में हम सोच रहे हैं उस संख्या में हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से किसी भी बच्चे का किसी भी तरह से कोई कंट्रीब्यूशन में कमी आए। दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां वो ये हैं कि एक तो कोई भी बच्चा वहां पे जीन्स पहन के नहीं आए, पजामा पहन के आ सकता है, शॉर्ट्स पहन के आ सकता है, कंफर्टेबल जो ट्राउजर है वो पहन के आए, बच्चों के पास ट्रैक सूट होते हैं वो पहन के आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें जो बच्चा जीन्स या टाइट कपड़े पहन के आएंगे उसकी काउंटिंग गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं होगी, और अपने को योग भी करना है और रिकॉर्ड में भी भागीदार बनना है। दूसरी बात यह है कि योग करते समय 6:30 से 7 बजे का स्टैंडर्ड टाइम रहेगा, जिस टाइम के अंदर रिकॉर्डिंग की जाएगी, मेजरमेंट किए जाएंगे, मतलब जो नोटिंग है कि कितने बच्चों ने योगा किए वो 6:30 से 7 बजे का स्टैंडर्ड टाइम होगा। उस टाइम में सभी बच्चों को देखा जाएगा कि सब बच्चे एक जैसे तरीके से कर रहे हैं, तो आप ऊपर स्टेज की तरफ स्वामी जी के निर्देशन में जैसे बताएंगे, इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी रखें, इसके अलावा एलईडी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा उसको देख करके करें, और इसके साथ साथ जहां बच्चे बैठेंगे हर ग्रुप के पास में एक इंस्ट्रक्टर और भी होंगे, उन इंस्ट्रक्टर की तरफ भी ध्यान दें और ध्यान देते हुए अपना योगा का कार्यक्रम करें, बहुत सरल कराएंगे। तीसरी बात यह है कि योग करते समय जब आप वहां मैदान में होंगे अपने जो भी चद्दर बिछा रखी है या मैट पे होंगे योगा मैट पे, उस पे योग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, ना कोई फोटो खींचें, ना उसमें कोई फोन आ जाए तो बात करें, उसको साइलेंट रखें या स्विच ऑफ रखें, उस टाइम पे मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो ये मोबाइल वाली, एक जींस वाली, और तीसरी यूनिफॉर्मिटी, जैसा इंस्ट्रक्शन बताएंगे उस तरह से इंस्ट्रक्शन अपने को फॉलो करनी। एक जहां से गेट में एंटर करेंगे वहां से गेट में एंटर करते समय एक बार कोड रीडर होगा, जैसे यहाँ पे अटेंडेंस लगती है ना, उसी तरह से वहां पे भी वो जिस गेट में से एक रेजोनेंस का बड़ा गेट होगा वहां से एंट्री होगी, और जहां से एंट्री होगी उस समय पे एक बार कोड आपके पास कुछ ना कुछ होगा, या तो वहां मिलेगा या पहले मिल जाएगा, उसको रीडर रीड करेगा, उसके हिसाब से ही वो काउंटिंग होती है। तो पूरा स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसा नहीं कि किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली उसमें से काउंटिंग कर लेगा चाहिए कितने बच्चे आए, पूरा उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। तो ये 3 बातें सब लोग ध्यान रखेंगे।